And I hope that you are fine and doing well. In today's class, we are going to discuss about the part number 5 of exercise number 2.8, in which we actually have the value 5, that is radical 5 minus 2, or with the help of the given value, we have to find the value of y plus 1 upon y, y minus 1 upon y, and y square minus 1 upon y. कहने का मतलब बहुत इजी है, आसान है, आसान अल्फाज़ों में कि y की वैल्यू हमें गिवन है और पहली वैल्यू जो कि हमें मालूम करनी है y plus 1 upon y की, तो y हमें गिवन है, 1 upon y की वैल्यू हमें मालूम करना है, तो ये यूनिट इस वैल्यू ऑफ 1 upon y जो था। उसके बाद बेटा y की जगह हमने y को लिखा और ये y 1 की जगह 1 लिखा और ये y की वैल्यू आ गई रेडिकल 5 माइनस 2 अपॉन में। हम देख सकते हैं कि रेडिकल की वैल्यू मौजूद है। रेडिकल में का मतलब ये शर्त कहलाता है। शर्त की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे जब एक एक्सप्रेशन जिसमें से कोई भी एक टर्म रेडिकल में इन्वॉल्व हो, तो दिस इज कॉल्ड शर्त और दिस इज कॉल्ड बायनोमियल शर्त। तो आपने कोई ऐसा प्रोसेस यहां पे यूज करना है कि जिसकी हेल्प से रेडिकल रिमूव हो जाए, और वो प्रोसेस यहां पर कौन सा रैशनलाइजेशन है। और रैशनलाइजेशन के लिए आपको कंजुगेट के लिए लोग के कंजुगेट ऑफ रेडिकल 5 माइनस 2 इज रेडिकल 5 प्लस 2, इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों कर रहे हैं, रेडिकल से आप जो है डिनोमिनेटर में से रेडिकल की वैल्यू को आप जो है वो बिल्कुल गायब कर देंगे, इसको सिंपल कर देंगे, बिल्कुल आई सॉल्व कर दें। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। रेडिकल 5 को रेडिकल 5, रेडिकल 5 इज 5 माइनस 2 प्लस माइनस इनटू 2 इज 4, और रेडिकल 5 प्लस 2 इनटू 1 रेडिकल 5 प्लस 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद 5 और स्क्वायर रूट 2 इज 4। यहां तक आपको बात अच्छी तरह समझना है। डिनोमिनेटर में हमने फर्दर क्या किया, 5 में से 4 को माइनस किया और ये साइन शो करता है कि आपको सबट्रैक्ट करना है, तो 1 बचा आपके पास। और में जो वन होता है उसकी कोई मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसको ना भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ के पास वन अपॉन वाई की फिगर आ गई। अब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं टू गेट द आंसर ऑफ वाई प्लस वन अपॉन वाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई रेडिकल 5 माइनस 2 प्लस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन वाई दैट इज रेडिकल 5 प्लस 2। देखेंगे लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन के साथ कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, रेडिकल 5 और रेडिकल 5 रेडिकल 5 फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड आंसर मालूम करना भी बहुत आसान है, y minus 1 upon y, y की वैल्यू आ गई माइनस साइन लाइक बिफोर, और 1 upon y रेडिकल 5 प्लस 2। अच्छा माइनस के बाद जो वैल्यू आएगी 1 upon y ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस जो है वो आने वाले टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं, लाइक माइनस इनटू प्लस माइनस और माइनस इनटू प्लस माइनस, यानी कि साइन को अपोजिट किया माइनस प्लस में, तो फिर आप ब्रैकेट यूज करते हैं। तो रेडिकल 5 और माइनस रेडिकल 5 दोनों कैंसिल, माइनस 2 एंड माइनस 2 हाउ मच माइनस 4। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर अर्ज कर रहा हूं कि माइनस 2 इंटीजर्स के एडिशन सबट्रैक्शन नॉट मल्टीप्लिकेशन, माइनस इनटू माइनस जो है वो प्लस का सेंस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, यहां पर हमने सिंपली एडिशन और सबट्रैक्शन है इंटीजर्स की, माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 4। ये आपका सेकंड आंसर हो गया जो कि क्या है, सॉरी y माइनस 1 अपॉन y। आफ्टर दैट दोनों को हमने मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद आपके पास थर्ड आंसर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, और ये बिल्कुल इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो उसके माइनस b प्लस b। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसको हम अपने जो है वो प्रीवियस क्लासेस से यूज करते आ रहे हैं, और इसके मुताबिक हमने लाइक देखा कि a स्क्वायर बराबर है y स्क्वायर के, b स्क्वायर बराबर है इसके बराबर y स्क्वायर के, जिस तरीके से ब्रैकेट a माइनस b प्लस b, इस तरीके से y माइनस 1 अपॉन y और y प्लस 1 अपॉन y। y माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू हम पीछे मालूम कर चुके हैं माइनस 4, और y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू 2 प्लस रेडिकल 5, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज नो साइन, सो देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन, माइनस इनटू प्लस माइनस 4 इनटू 8, 4 इनटू 2 8, सॉरी 8 रेडिकल 5, ये आंसर हो गया आपका y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। तो तीनों के आंसर को मिक्स आ देगा, दिस इज आंसर ऑफ योर y प्लस 1 अपॉन y, दिस इज आंसर ऑफ योर y माइनस 1 अपॉन y, एंड दिस इज आंसर ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। सो दिस इज अ सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया है इसमें समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी।